everyone. Welcome to the Queen of Hills, Darjeeling, the most beautiful place of India. This is the dream place of every Indian and every Bengalian. दार्जिलिंग की जो ब्यूटी है ना, वो मानसून में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं मानसून जुलाई में जो दार्जिलिंग होता है, दार्जिलिंग जो ब्यूटी होता है, उसके डिटेल्स इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, किधर गई हूँ, दार्जिलिंग के कितने अच्छे अच्छे प्लेसेस है, आप लोग कैसे जाएंगे, सारे इन वीडियो को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर मत करके वीडियो शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और जाकर सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेवल करके मैं वीडियो डालती हूँ ब्लॉग करके, सो आपको अच्छा लगेगा वीडियो देखकर। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो गाइस, हम लोग अपना जर्नी न्यू बोंगाईगांव स्टेशन से शुरू कर रहे हैं। न्यू बोंगाईगांव स्टेशन से हमारा ट्रेन है, तो उसी ट्रेन से हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग कार पकड़ के दार्जिलिंग चले जाएंगे। एनजेपी तक हमेशा ट्रेन अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग किसी भी कोने से आ सकते हैं, देश के किसी भी कोने से आप लोग एनजेपी तक आ सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को दार्जिलिंग की कार मिल जाएंगी। सो चलिए चलते हैं। तो एनजेपी तक पहुँच कर हम लोगों ने अपना खाना खाया और वहाँ से हमने शेयरिंग कार लेकर चले गए। तो ये है दार्जिलिंग की रोड, तो आप लोग दार्जिलिंग की ब्यूटी इंजॉय कर रही है। मानसून में दार्जिलिंग में आने का यही एक मजा है, क्योंकि रास्ते में कभी भी आप लोगों को बारिश मिल जाए तो बारिश में रोड ट्रिप अमेजिंग, इस अमेजिंग मतलब अमेजिंग। तो बारिश कभी भी हो सकता है और कभी भी नहीं, और कभी कभी इतना बादल से घिर जाते हैं कि रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई देते। तो यही ब्यूटी है दार्जिलिंग में। तो देखिए अभी इतना बारिश हो रहा है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता और थोड़ी देर बाद फिर निकल जाएंगे। सो हम लोग दार्जिलिंग और पहुँचते दार्जिलिंग शाम को 6:00 बजे। तो यहाँ पे आके हम लोग होटल ले ली। होटल आपको रीजनेबल प्राइस में मिल, हम लोगों का होटल 1000 रुपीज़ में मिल गया। तो हम लोग ने मॉल रोड के पास ही होटल लिया, क्योंकि मॉल रोड के पास ही आपको सारे गाड़ी मिल जाएंगे, जितने सारे आप लोग अगर घूमने जा सकते हैं दार्जिलिंग के साइड सीन के। और यहाँ पे बहुत सारे होटल भी है, आप लोग आराम से खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब कुछ कर सकते हैं। तो मॉल रोड के आसपास अगर रहते हैं तो आपको बहुत सुविधा और फ़ायदा होता है। तो ये है मॉल रोड, ब्यूटी ऑफ मॉल रोड। और यहाँ पे है कैवेंटर्स और हम लोगों ने एक जो पद्मा होटल है आप लोग अभी अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आकर अपना डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग राइस खाते हैं तो राइस रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे है, तो आप लोग खाना खा सकते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने अपना प्लेट ले ली। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, अरे ये हो रातिपुआ 4:30 बजे अपन लोग दार्जिलिंग। सो हमारे इतना गाड़ी आसे, सब इने गाड़ी बहुत आसे, अपना एक बार चाह लग रातिपुआ 4:30 बजे के हम पर दार्जिलिंग। सो अभी सुबह के 4 बज गए और हम लोग निकल गए अपना नेक्स्ट डे के साइट सीइंग के लिए। तो आज का पूरा दिन हम लोग साइट सीइंग करेंगे, 4 बजे से शुरू कर गए। यहाँ से हम लोग फर्स्ट टाइगर हिल जा रहे हैं, वहाँ पे सनराइज़ के लिए, पता नहीं मानसून का टाइम है सनराइज़ देख पाएंगे या नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए, सुबह तो हो ही चुका है, अभी तक हम लोग टाइगर हिल्स नहीं पहुंच पाए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और होप हम लोग सनराइज देख ले, क्योंकि मानसून का टाइम है, कभी भी सनराइज नहीं हो सकता और कभी कभी हो भी जाते हैं पर बादल आ जाते हैं ना।
तो देखते हैं आप लोग टाइगर हिल्स में मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग टाइगर हिल्स पहुंच चुके, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। So guys, हम लोग सनराइज देख लिए है अभी, तो सो मानसून के टाइम भी कभी कभी आप लोग देख सकते हैं लकीली, तो हम लोग को लाख अच्छा था तो हम लोग ने देख लिया। सो आप लोग फिर देखिए कितने सारे लोग आए हैं सनराइज देखने के लिए, और यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ सामान भी खरीद सकते हैं टाइगर हिल्स में, दो चार दुकानें हैं। और टाइगर हिल्स सनराइज और दार्जिलिंग टी जो कम्बिनेशन है ना, कुछ अलग ही मज़ा है। सो प्लीज़ आइए यहाँ पे, दार्जिलिंग टी पिए और इसकी ब्यूटी मज़ा कीजिए, इन्जॉय द ब्यूटी। सो अभी हम लोग रॉक गार्डन पहुँच गए हैं। रॉक गार्डन की जो ब्यूटी है ना वो अलग ही है, इसमें आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगी जो दार्जिलिंग में वाटरफॉल का नहीं है, और एक यही है एक लौता वाटरफॉल। सो आप लोग देख सकते हैं इसकी ब्यूटी बहुत ही सुंदर है रॉक गार्डन, आप लोग आइए घूमिए, रॉक गार्डन मिस मत कीजिए। रॉक गार्डन की एरिया बहुत ही बड़ा है, आप लोग रॉक गार्डन में साइकिल करके यहाँ पे रास्ते बनाए हैं, तो आप लोगों को घूमने में ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग घूमिए साइकिल करके अच्छे से रॉक गार्डन। गाइस अभी हम आ चुके हैं ऑरेंज वैली टी गार्डन। टी गार्डन की जो खुशबू है, जो वातावरण है, जो सौंदर्य है, उसका मैं क्या ही विवरण करूं। टी गार्डन में जाने से पहले ही सबका मन कुछ अलग उगल थुगल लग जाता है, और टी गार्डन को देखकर सभी का मन पहाड़िया बन जाता है। सो बोलते हैं दार्जिलिंग क्वीन की हिल्स, जब तक आप टी गार्डन पर नहीं आते तो उसका मज़ा आप ले नहीं सकते। तो आइए टी गार्डन पे, टी गार्डन की जो खुशबू है ना अभी मेरे नाक में आ रही है, तो ये देखिए कितना ग्रीनी ग्रीनी है चारों तरफ, चाय की पत्तियाँ ये सब, और दूर में देखिए दूर से वहाँ पे बादल से पूरा भर गया है, तो बादल के बीच बीच में चाय की बगान, तो अलग ही मज़ा है, कुछ अलग ही नेचर। अगर आप सामने होते हैं ना तो आप फील कर सकते थे।
और अभी हम लोग आए हैं डाली मॉनेस्ट्री। डाली मॉनेस्ट्री बहुत ही सुंदर है और अंदर आप लोगों को फोटोग्राफी नहीं करने देते हैं जब प्रेयर चल रहे थे, तो हम लोग प्रेयर के टाइम में आ चुके तो हम लोग अंदर के व्यू नहीं ले पाए। तो यहाँ पे आके एक पीस मिलता है, बहुत ही सुंदर बहुत ही शांत प्लेस है। देखिए वहाँ से बादल के जो व्यू है वो कितने अच्छे से आ रहे हैं। और यहाँ पे एक गार्डन भी है, ये देखिए एक लिटिल गार्डन बना रखा है। और सामने एक बुद्धिस्ट का टेम्पल भी है, एक बुद्ध देव की मूर्ति रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अभी। बहुत ही सुंदर प्लेस है यह। तो आइए डाली मॉनेस्ट्री आप लोग मिस मत कीजिए, डाली मॉनेस्ट्री में घूम के जाइए। अभी हम लोग आ चुके हैं बातस्या लूप। बातस्या लूप अपने आप में ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर 15 मिनट के बाद आपका टॉय ट्रेन आता है जो बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे रखा गया है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, आपको पता होना चाहिए। और दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और टॉय ट्रेन देखने के लिए सभी लोग बातस्या लूप में ही आते हैं क्योंकि अगर आप टॉय ट्रेन नहीं उठ सकते तो बातस्या लूप में आकर टॉय ट्रेन घूम सकते हैं, टॉय ट्रेन में फ़ोटो खींच सकते हैं, टॉय ट्रेन में उठ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर टॉय ट्रेन रुकता है। और यहाँ पे गोरखा कम्युनिटी की जो शहीद हुए हैं उनके स्मरण के लिए एक यहाँ पे शहीद बुद्धि बना हुआ है उनकी श्रद्धांजलि के लिए। तो ये देख सकते हैं आप। तो गाइस यही है टॉय ट्रेन। तो जल्दी जल्दी फोटो वगैरह खींच लेते हैं हम लोग। देखिए कितना सुंदर से प्लेस हुआ है। तो ये है आपका फाब इंजन। ओह कितना सारा भीड़ है, चलिए सामने चलते हैं। ये देखिए फाब इंजन जो कैला से चलते हैं। तो यहाँ पे आपका आप लाइव दार्जिलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग फोटो खींच सकते हैं आप अच्छी तरह से। और यहाँ पे ड्रेस भी मिल जाते हैं, वो चाय बागानिया का जो ड्रेस है वो ड्रेस वगैरह पहनकर भी फोटो खींच सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे आप लोगों का टिकट भी लगता है पर पर्सन 110। और यहाँ पे ही माउंटेन इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप लोगों का एवरेस्ट और हिमालय माउंटेन की जो ट्रेनिंग वगैरह है क्लाइंबिंग के लिए सारे चीज़ यहाँ से सिखाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी लोग ट्रेनिंग के लिए माउंट एवरेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग जोगाजोग कर सकते हैं, यहाँ से आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो आप लोग आइए अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये देखिए हम लोगों का टाइगर महाराज कितने सुकून से बैठा हुआ है। अगर ये जाल एक बार खोल जाए तो क्या होगा पता नहीं। आलू जी तो किसी
आराम से गिर जाते हैं लोग को भी गिराओ आ जा भाई आ जा इधर आ जा जंप उड़े थे इधर से आ जा इधर इन लोगों को देखो कितना सुकून से सो रहा है, पता ही नहीं कोई इनके पास आए कि इनको देखे। हम लोग कितने सारे लोग इनके पास से जा रहे हैं पर इनको कोई भूखे भी नहीं जाए दुनिया भर में इनके लिए। শিং গুলো দেখো তো হরি নেই ঘর সর বানায় দিছে কি সুন্দর করে सो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग हिमालय पर्वत का क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ये है हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट, चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूजियम है लेकिन इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो आप लोगों को दिखा नहीं सकते। और ये उन महापुरुष के शहीद स्तंभ है जहाँ जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को शुरुआत की थे। तो यहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं, रोप वे वगैरह ये सब यहाँ पे चलता रहता है लेकिन टिकट लगता है। आप अगर आप करना चाहते तो टिकट काटना पड़ेगा। तो ये है तेंजिंग रॉक हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट के। तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, रॉक क्लाइंबिंग इनिशिएट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लग कर रहा है, आप भी कर सकते हैं टिकट खरीद के। अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, देखिए दार्जिलिंग की मंशन एकदम से बारिश आ रही है अभी। तो अच्छा लग रहा है, यही तो मज़ा है मानसून की, कभी बारिश कभी बादल। और दार्जिलिंग की जो वेदर है ना बादलों से घिरी हुई है, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। सो गाइस यही है दार्जिलिंग का मानसून का वेदर। देखिए अभी थोड़ी देर में बारिश नहीं थी और अभी बारिश हो रहा है। This is the order of monsoon of Darjeeling. आप लोग देखिए रंगवली टी गार्डन है। What a order! वो इसे ना गेट भी की गई है, देख नहीं थी। और ये है आपका रंगवली टी गार्डन। अभी पूरा बादल छा गया है चारों तरफ और बारिश भी हो रहा है, तो इसलिए आपको व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेंगे। तो ये देखिए अगर बादल नहीं होता और बारिश नहीं होता ना, इसका जो व्यू है तो अमेजिंग, आई मीन ह्यूज लेवल। बोला अभी बारिश नहीं आया, जल्दी जल्दी देख लेके आए, बारिश आएगा तो कुछ दिन। अभी हम पहुंच गए पीस पोखरा, आज का डे के लास्ट ट्रिप। तो इसको जापानीज टेम्पल भी बोलते हैं।
बहुत ही सुंदर है, मैंने देखा है पहले फोटो वीडियो और बाकी लोगों से भी सुना है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कितना सुकून मिलता है, कितना सुंदर है इस टेंपल। ये बुद्धिस्ट का टेंपल है और इंग्रजों का, कहते हैं ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके सुकून के लिए यहाँ पे प्रे करते थे। तो यही है पीस पगोडा, चलिए चलते हैं। और यहाँ पर भी एक मंदिर है, कितना सुकून है। बुद्ध देव की हर पोजीशन की मूर्ति है ऊपर, और यहाँ से व्यू देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अभी पूरा बादल से खिल गए हैं, वेदर को आप देखिए। दार्जिलिंग की यही एक खास चीज है कि आपको यह बादल कभी भी कहीं भी वक्त मिल जाता है, और इतना सारा बादल है ना यहाँ पे, मैंने इतना फॉग है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो गाइस आज का डे का ट्रिप यही खत्म हो जाता है हम लोग को पीस पगोडा के पास, और नेक्स्ट डे की ट्रिप हम लोग देख रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह महाकाल मंदिर पहुंच गए। महाकाल मंदिर हमारा होटल के पास ही है। अगर आप माल रोड के और चौक बाजार के सामने होटल लेते हैं तो आपको महाकाल मंदिर सुबह सुबह जा सकते हैं, बहुत ही सामने है और आप लोग जाइए। महाकाल मंदिर बहुत ही अच्छे हैं, सुबह सुबह उठकर आप पूजा देके फिर आपके ट्रिप के डे के ट्रिप शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लामाहाटा इको पार्क पहुंच गए हैं। लामाहाटा इको पार्क एक बहुत ही फेमस पार्क है, और यहाँ का जो सौंदर्य है आप लोग अभी देख सकते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी यहाँ पे पूरा बारिश हो रही है, तो बारिश में भी हम लोग घूमने आए हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ग्रीनी है और पाइन ट्री की जो सौंदर्य है वो कुछ अलग ही लेवल की है, अलग ही मतलब हम लोग और आप लोग सोच नहीं सकते, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। तो अगर आप लोग सामने से देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और बारिश में इतनी अच्छी सौंदर्य और ग्रीनी ग्रीनी, तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, कुछ वर्ड ही नहीं, कुछ शब्द ही नहीं, बस देखने को मन करा है। आप लोग भी देखिए मेरे साथ।
और यहाँ से ऊपर एक लेक है, 750 मीटर जाना होगा हमको ऊपर। उसके बाद एक पहाड़ में एक लेक है, तो देखते हैं चलिए आप लोग हमारे साथ कितना कैसा है लेक, अच्छा ही होगा आई होप। और यही है वो लेक, इतना वाव नहीं है बट पहाड़ के ऊपर है तो इसलिए वाव टाइप है, खास है इसका यही, और अच्छा है। आप लोग रील्स वगैरह फोटो वगैरह खींच सकते हैं, अच्छा ही है। देखिए नज़ारा, अगर सुकून से आप लोग देखते हैं तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं तिनचुलिया लवर व्यू पॉइंट। इसके रास्तों के चारों ओर दोनों तरफ ही चाय की बगान है, और इसका जो नज़ारा है, रोड ट्रिप का जो मज़ा है, वो कुछ अलग ही लेवल का है। अलग ही मतलब अलग ही, अमेजिंग, सुपर हिट। I am speechless. Just wow. Wow. Ha, ugul raster bol dukan. Raster? Ha. Dukan. Sab dukan koi koi. Aur sari jagah ghumne ke baad last mein aap log malro rahiye, ghumiye, phiriye, evening view enjoy kijiye, shopping kijiye, khana khaiye, street food khana khaiye. और माल रोड में आप लोग इवनिंग नाइट, इवनिंग शो, सारे चीज़ मैंने सारे रेस्ट आप लोग माल रोड में कीजिए, और ग्लेरानी ये सब व्यू देखिए, उसके ग्लेरानी स्केवेंटर्स में जाइए, डिनर कर दिए, कुछ थोड़ा मीठा खाइए, घूमिए। यही है आप लोगों का दार्जिलिंग के सफ़र, तो दार्जिलिंग आए, घूमे फिरे, मस्त कीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। मैंने इस वीडियो में मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ दार्जिलिंग, सारे इस वीडियो में डाल दी, और आई होप आप लोग इन्जॉय किया है, आप लोगों को बहुत मज़ा आया। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, वहाँ पे आप लोगों को दार्जिलिंग की डिटेल्स मिलेगी, दार्जिलिंग कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, दार्जिलिंग जाने के लिए कितना खर्च होगा, कितना पैसा लगेगा, उसकी साइड सीइंग के लिए बुक का गाड़ी बुक कहाँ से करेंगे, सारे सब अगले वीडियो में मैं डाल दूँगी। सो होप आई होप आप लोग इंजॉय किया मेरे वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, अगर कोई दार्जिलिंग जाना चाहते तो देख के थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सो गाइस, ओके गाइस, टाटा बाय बाय, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। Thank you.